आज हम स्टोन मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन मैसनरी स्टोन के टुकड़ों को मसाले के साथ जोड़कर बनाई जाती है। स्टोन मैसनरी स्टोन्स का शेप, उनको लगाने का ढंग और उनकी गढ़ाई की मानकता के अनुसार दो भागों में विभाजित की जाती है। रबल मैसनरी एंड एशलर मैसनरी। रबल मैसनरी को हम पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। रैंडम रबल मैसनरी, स्क्वायर रबल मैसनरी, पॉलीगोनल रबल मैसनरी, फ्लिंट रबल मैसनरी एंड ड्राई रबल मैसनरी। देन सेकंड एशलर मैसनरी। एशलर मैसनरी को भी हम पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। एशलर फाइन मैसनरी, एशलर रफ टूल्ड, एशलर वेरी फेस्ड, एशलर चैम्फर्ड एंड एशलर ब्लॉकिंग कोर्स। देन फर्स्ट इज रबल मैसनरी, रैंडम रबल मैसनरी। जो रबल मैसनरी होती है उसमें जो पत्थर यूज किए जाते हैं वो इरेगुलर शेप के पत्थर होते हैं। सीधे क्वेरी से प्राप्त पत्थरों को ही प्रयोग में लाया जाता है और केवल उनके कोनों को हथौड़े से जाड़कर समतल कर दिया जाता है। इस मैसनरी की मजबूती जो है वो तीन बातों पर निर्भर करती है। मोर्टार की किस्म, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थ्रू स्टोन्स का उपयोग और बड़े पत्थरों के बीच के स्थान में सही प्रकार से मसाले का उपयोग करना। देन रैंडम रबल मैसनरी। रैंडम रबल मैसनरी दो तरह की होती है, अनकोज्ड एंड कोज्ड। रैंडम रबल मैसनरी में अनकोज्ड मैसनरी को हम पढ़ेंगे। अनकोज्ड रबल मैसनरी जो होती है वो बहुत ही सस्ती और बहुत ही रफ किस्म की होती है और इसमें खदान से सीधे ही प्राप्त पत्थरों को यूज में लिया जाता है। चिनाई में जब यूज किया जाता है इन पत्थरों को, तो हथौड़े से उनके कोनों को झाड़कर समतल कर दिया जाता है। पत्थरों को लगाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें अंदर की सतह और बाहरी सतह पर जो वर्टिकल ज्वाइंट से वो लगातार एक साथ ना आए। पत्थरों को लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो नीचे की जो चौड़ी सतह है वो निचले सरफेस पर रहे। 60 सेंटीमीटर या उससे कम मोटी दीवार है तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीवार की मोटाई में थ्रू स्टोन्स लगा देने चाहिए। इसमें चिनाई में जो जोड़ है उनकी जो मोटाई है वो 17 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को लगाने के बाद बीच बीच में छोटे छोटे पत्थरों को फंसा देना चाहिए। इस चिनाई का उपयोग जो है वो गैरेजेस में, गोडाउन्स में, कंपाउंड वॉल में और लेबर क्वार्टर्स में इस चिनाई का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट रैंडम कोज डबल मैसनरी। यह मैसनरी अनकोज डबल मैसनरी की तरह ही होती है। इसमें जो पत्थर लगाए जाते हैं वो सीधे ही खदान से प्राप्त पत्थर ही लगाए जाते हैं, लेकिन ये एक निश्चित रद्दे में लगाए जाते हैं। इसमें पत्थरों की ऊंचाई जो होती है वो रद्दे की ऊंचाई के बराबर ही होती है। कोने पे जो पत्थर लगाया जाता है चिनाई में, कोनिया पत्थर, उस पत्थर की ऊंचाई रद्दे की ऊंचाई के बराबर होती है। इसमें दोनों दीवार के दोनों फलक पर बड़े बड़े साइज के पत्थरों को लगाकर बीच के स्थान में पत्थर के छोटे टुकड़ों को भर दिया जाता है। 60 सेंटीमीटर से कम मोटी दीवार के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीवार की मोटाई में थ्रू स्टोन्स लगा देने चाहिए। उससे अधिक मोटी दीवार होने पर दीवार की बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर जो पत्थर लगाए जाते हैं वो ओवरलेप करते हुए होने चाहिए। इसमें दीवार, इसमें जो जॉइंट्स की जो मोटाई है वो 12 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन इन इस प्रकार की चिनाई का जो उपयोग होता है वो पब्लिक बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किया जाता है। देन स्क्वेयर रबल मैसनरी अनकोज्ड। स्क्वेयर रबल मैसनरी अनकोज्ड में उनके कोनों को हथौड़े से झाड़कर प्रत्येक स्टोन के उनको चौकोर बना दिया जाता है और इन चौकोर पत्थर के टुकड़ों को किसी रद्दे में, निश्चित रद्दे में नहीं लगाकर उन्हें बेतरतीब ढंग से लगाया जाता है। दीवार के सामने वाली सरफेस पर विशेष ढंग से उन्हें लगाया जाता है जिससे कि जो बिल्डिंग है वो हमें सुंदर दिखाई दे। और ये जो जो अनकोज रबल मैसनरी होती है ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसमें सामने वाली जो दीवार होती है उस पे जो पत्थर लगाए जाते हैं उनका रंग जो है वो एक जैसा ही होना चाहिए। देन कोज डबल मैसनरी। कोज डबल मैसनरी में जो पत्थर लगाने का ढंग है वो
अनकोज्ड डबल मैसनरी की तरह ही होता है, किंतु इन्हें एक निश्चित रद्दे में ही लगाया जाता है। इनको एक निश्चित रद्दे में लगाया जाता है और इनकी जो न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो है इनको हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मैसनरी, सेकेंड क्लास मैसनरी एंड थर्ड क्लास मैसनरी। फर्स्ट क्लास मैसनरी में जो होते हैं, प्रत्येक रद्दे में जो पत्थर लगाए जाते हैं उनकी ऊंचाई और रद्दे की ऊंचाई वो है बराबर होती है, और इनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो उनकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो सेकेंड क्लास मैसनरी होती है उसमें जो पत्थरों की जो ऊंचाई होती है वो एक जैसी नहीं होती है, किंतु रद्दे की ऊंचाई बराबर होती है, रद्दे की ऊंचाई एक जैसी होती है। तो इसमें जो है केवल दो पत्थरों को उपयोग कर हम एक रद्दे की ऊंचाई को बनाया जा सकता है। उसमें जॉइंट की जो थिकनेस है वो 12 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्लास जो मैसनरी होती है उसमें न तो पत्थरों की ऊंचाई एक जैसी होती है और न ही रद्दों की ऊंचाई एक जैसी होती है। इसमें केवल तीन पत्थरों का उपयोग कर हम एक रद्दे की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें जो जॉइंट की जो ऊंचाई है, जॉइंट की जो थिकनेस होती है वो 16 mm होती है। देन ड्राई रबल मैसनरी। ड्राई रबल मैसनरी में किसी भी गारे या मसाले का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल इरेगुलर शेप के पत्थरों को जमा कर ये मैसनरी बनाई जाती है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों फलकों को आपस में बांधने के लिए थ्रू स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दीवार की मजबूती बनी रहे। इस प्रकार की दीवार का उपयोग जो है वो कैनाल्स के स्लोप बनाने में, रिटेनिंग वॉल बनाने में किया जाता है। देन पॉलीगोनल रबल मैसनरी। पॉलीगोनल रबल मैसनरी में इरेगुलर शेप के पत्थर जो होते हैं वो समभुज वाले और बहुभुज वाले पत्थर को यूज किया जाता है। इनकी जो गड़ाई है वो बहुत ही फाइन की जाती है, ताकि चिनाई में जो जोड़ है वो बहुत अधिक पतले और समान मोटाई के हमें दिखाई दे। इनको दीवार के सामने की तरफ लगाने के लिए काफी स्किल की आवश्यकता होती है, और यह प्रॉपर जब व्यवस्थित ढंग से लग जाती है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। पॉलीगोनल रबल मैसनरी में दोनों फलक को आपस में बांधे रखने के लिए भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर थ्रू स्टोन्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लिंट रबल मैसनरी। फ्लिंट रबल मैसनरी में छोटे माप के और अलग अलग शक्ल के पत्थर इसमें होते हैं। ये जो फ्लिंट कॉबल्स जो होते हैं उसमें सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये बहुत ही हार्ड पत्थर होता है और यह समुद्र के किनारे पाया जाता है। यह समुद्र के किनारे मिलने के कारण वहां के भवनों, वहां की कंपाउंड वॉल्स सभी में यही पत्थर को यूज किया जाता है। यह बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होने के कारण ये आसानी से टूट जाता है, और इसमें दीवार के सामने की सतह पर अनगढ़े पत्थर या लगाकर उसको प्रॉपर दिखाया जाता है, किंतु इनकी गड़ाई करके और उनको समतल बनाकर भी हम दीवार के सामने की सरफेस को बना सकते हैं, और इन दोनों फलकों को, दीवार के दोनों फलक को आपस में बांधे रखने के लिए उसमें थ्रू स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है, वो कि जो कि स्क्वायर स्टोन्स होते हैं। देन सेकेंड जो है वो है एशलर मैसनरी। एशलर मैसनरी बहुत ही उच्च कोटि की मैसनरी होती है, और इसमें जो जॉइंट होते हैं वो बहुत ही बारीक और महीन होते हैं। एशलर मैसनरी में फर्स्ट है एशलर फाइन मैसनरी। एशलर फाइन मैसनरी में पत्थर जो यूज किए जाते हैं वो हथौड़े के द्वारा और छेनी के द्वारा इनको, इनकी गड़ाई करके इनको प्रॉपर साइड्स और बेड्स इनके प्रॉपर, इनको गड़ाई करके इनको प्रॉपर बनाया जाता है और एक रेक्टेंगल का रूप दिया जाता है। ये बहुत ही फाइन इनकी होती है मैसनरी, बहुत ही फाइन होती है। ये इनके जॉइंट्स जो है वो 4 mm से अधिक इनकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रत्येक कोर्स में सामने की तरफ दीवार में जो लगाए जाते हैं, प्रत्येक कोर्स में एक हेडर और एक स्ट्रेचर जो है वो अल्टरनेट क्रम में लगाया जाता है।
इसमें कोर्स की जो ऊंचाई होती है वह बिल्कुल समान होती है, एक जैसी दिखाई देती है। इस प्रकार की जो मेसनरी लगाई जाती है वो बहुत ही उच्च कोटि की और महंगी होती है। देन नेक्स्ट, एशलर रफ टूल्ड मेसनरी। एशलर रफ टूल्ड मेसनरी में जो स्टोन यूज किया जाता है वो बिल्कुल ही रफ होता है। इसमें चारों ओर 25 mm चौड़ी पट्टी बना दी जाती है। छेनी के द्वारा एक पट्टी बनाकर उसके बीच के स्थान को रफ छोड़ दिया जाता है, रफ छोड़ दिया जाता है। और बाकी जो इनके जॉइंट्स की जो मोटाई है वो 7 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। देन एशलर रॉक और क्वेरी फेस मैसनरी। एशलर रॉक जो मैसनरी होती है उसमें भी चारों साइड छेनी के द्वारा पत्थर के धरातल को उसमें 25 mm चौड़ी पट्टी बना दी जाती है और शेष शेष जो बीच का स्थान जो बचता है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, जैसा कि हमें पत्थर खदान से प्राप्त होता है। देन एशलर चैम्फर्ड मैसनरी। एशलर चैम्फर्ड मैसनरी शेष सभी चिनाइयों की तरह ही होती है, एशलर मैसनरी की तरह ही होती है। इसमें भी 25 mm छेनी के द्वारा पत्थर के धरातल पर, पत्थर के फ्रंट धरातल पर 25 mm की चौड़ी पट्टी बना दी जाती है और उस पट्टी को 45 डिग्री के एंगल पर ढालनुमा बना दिया जाता है। देन एशलर बेकन कोर्स मेसनरी। एशलर बेकन कोर्स मेसनरी में जो पत्थर के जो धरातल है या पत्थर का जो ऊपरी या सामने का जो धरातल है उस पर रबल मेसनरी या उस पर रफ या चैम्फर्ड मेसनरी कर दी जाती है और बाकी जो पीछे की जो सतह है उस पर जो है सिंपल रबल मेसनरी या ब्रिक मेसनरी की कर दी जाती है। इस प्रकार इसमें दो चिनाइयां एक साथ हो जाने के कारण भवन निर्माण में यह मेसनरी सस्ती होती है। दोनों साइड के फलकों को आपस में बांधे रखने के लिए इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर थ्रू स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है।